क्या कभी आपकी गाड़ी का चालान कटा है? अगर नहीं कटा तो आपने किसी कार या बाइक के चालान कटने का कोई वीडियो देखा होगा, नहीं तो किसी दोस्त से कोई किस्सा सुना होगा उसके गाड़ी का चालान कटने का। लेकिन क्या कभी आपने इन सब के बीच भैंसे की सवारी करते हुए किसी के चालान कटने के बारे में सुना है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में, जहाँ एक लड़का बाकायदा हेलमेट पहनकर भैंसे की सवारी कर रहा था और अमरोहा पुलिस ने उसका चालान काट दिया। नमस्कार, मेरा नाम विकास वर्मा है। तो चलिए आपको भैंसे की सवारी करने पर चालान कटने का ये पूरा किस्सा बताते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि रिहान नाम का एक यूट्यूबर भैंसे पर सवार होकर अमरोहा के CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने पहुंचा। यूट्यूबर के भैंसे की सवारी का अंदाज पब्लिक के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। फिर क्या था, वक्त के साथ लोग बढ़ते गए और भीड़ जुटती गई। लोगों ने अपने फोन निकाले और भैंसे के ऊपर हेलमेट पहने यूट्यूबर का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लोगों के साथ साथ इस दृश्य पर प्रशासन की भी नजर पड़ी और भीड़ को देखने के बाद पुलिस को लगा कि यहाँ हालात बिगड़ सकते हैं, तो पुलिस ने यूट्यूबर रिहान का शांति भंग करने के आरोप में चालान काट दिया। आज तक से जुड़े BS आर्या की खबर के मुताबिक ये मामला अमरोहा शहर के मोहल्ला कोट के CHC अस्पताल का है। यूट्यूबर रिहान राजधानी दिल्ली के रहने वाले हैं और यहाँ पर वो अमरोहा में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। तभी उन्होंने अपने फॉलोअर्स और दर्शकों के लिए एक वीडियो बनाने का प्लान किया और लाल रंग का लवादा ओढ़े भैंसे पर सवार होकर रिहान पहुंच गए CHC सेंटर। रिहान को देखने और उसका वीडियो बनाने के लिए वहां पर भारी भीड़ जुट गई। फिर अस्पताल के बाहर और आसपास व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस को इस पूरे सीन के बारे में मालूम हुआ। पुलिस ने देखा कि यहां पब्लिक ने लाइट और कैमरा तो निकाला हुआ है, सिर्फ एक्शन की कमी थी। तो भीड़ को काबू करने और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रशासन ने लिया एक्शन। पुलिस ने रिहान का शांति भंग के आरोप में चालान काटा। हालांकि कुछ घंटों की पूछताछ और कुछ औपचारिक कार्रवाई के बाद रिहान को थाने से ही जमानत दे दी गई। इस पूरी घटना पर रिहान ने कहा कि वो तो बस अपने फॉलोअर्स के एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब आपको रिहान के बारे में भी बता देते हैं। रिहान का बुल ब्लॉग नाम से एक यूट्यूब पर चैनल है जिस पर 1.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वो जानवरों से जुड़े वीडियोस बनाते रहते हैं। रिहान के पास सुल्तान नाम का एक भैंसा है, वो उसकी सवारी करते हुए अक्सर वीडियो बनाते हैं और उनके YouTube पर जब हमने खंगाला तो हमें एक वीडियो मिला भी, जिसकी शुरुआत में वो ये कह रहे हैं कि आज हम रोड के रिएक्शन लेंगे, मतलब रोड पर जो लोग चल रहे हैं उनके रिएक्शन लेंगे और इसे यानी अपने भैंसे को पुलिस वालों के सामने लेकर जाएंगे और उनका भी रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। उस वीडियो में रिहान हेलमेट पहनकर रोड पर भैंसे की सवारी करते नजर आ रहे हैं। वो पुलिस के सामने से गुजरते हैं और उस वीडियो में कहा और सुना जा सकता है, उनको ये बोलते हुए देखा जा सकता है कि अब काट कर दिखाओ चालान। खैर, हमारा मानना है कि वीडियो और रील्स बनाइए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन इस बात का बेहद ख्याल रखा जाए कि इससे आसपास के हालात न बिगड़े और कानून के दायरे में रहकर ही सब कुछ किया जाए। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आसिफ। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।